हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज की स्टोरी बारिश की रात। गांव की अंधेरी रातों में बारिश के टाइम प्रतीक अपनी ग्रोसरी की शॉप बंद करके घर की तरफ जा रहा था। 3 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रहा था। घर जाने के लिए बहुत रात हो चुकी थी और उनको कोई भी व्हीकल भी नहीं मिल रहा था। कुछ देर बाद उनको एक ऑटो मिला, पर वो भी उनके घर की तरफ नहीं जा रहा था, क्योंकि बारिश की वजह से सामने की रोड काफी खराब हो चुकी थी। कोई भी ऑप्शन नहीं मिला तो ऑटो पर ही बैठ गया। उसके बाद बारिश और भी तेज होने लगी। कुछ देर बाद कोचिंग बोलकर एक जगह पर उतर गया। अचानक वो ऑटो वाला बोलने लगा, अब जिस शॉर्टकट रास्ते से जा रहे हो वो रास्ता बिल्कुल भी सही नहीं है। वहाँ पर कभी कभी डकैत आते हैं और वहाँ पर एक नीम का पेड़ है। अगर वहाँ से गुजरते समय कोई बुलाए तो पीछे मुड़ के बिल्कुल भी मत देखना। उस अंधेरी रात में ऑटो वाले अंकल की बात सुन के प्रतीक के होश उड़ गए थे, पर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था घर जाने के लिए। प्रतीक सुनसान रास्तों से ही जाने लगा। गांव का रास्ता है, ऊपर से बारिश हो रहा था, इसीलिए रास्ता और भी डरावना लगने लगा। प्रतीक को अचानक ही कुछ सुनाई दिया। उसने सोचा कि डकैत होंगे। उसने पीछे मुड़ के देखा तो वहां पे कोई नहीं था। उसने सोचा कि उसका मन का बहम हुआ होगा, तो वो फिर से चलने लगा। कुछ देर जाते ही उसको अपने स्टोर का शॉपकीपर मिला। प्रतीक पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। शॉपकीपर ने बोला कि वो अपने पास के गांव में ही रहता है, तो वो वही जा रहा था, तो वो दोनों साथ में चलने लगे। प्रतीक बोलने लगा कि ये रास्ता कुछ ठीक नहीं है सुनने को आया है। उसका शॉपकीपर ने बोला, हाँ ये रास्ता ठीक नहीं है, वहाँ पर कभी कभी डकैत आते हैं। शॉपकीपर का घर पास में ही था, तो उन्होंने बोला, अच्छा मैं चलता हूँ, घर पास में ही है, बोलकर वो आदमी चला गया। यहाँ पे बारिश के साथ बिजली भी कड़कना शुरू हो गया था। सामने का जंगल मानो उसको खाने को आ रहा है। दिल की धड़कनें काफी तेज हो गई है। अचानक ही कुछ देर जाने के बाद प्रतीक को कुछ सुनाई दिया। नीम के पेड़ के पास जाते ही वो आवाज स्पष्ट हो गई। एक आदमी का आवाज जो बोल रहा था, प्रतीक जरा सुनो। उसने डर कर इधर उधर देखने लगा, पर उसको कोई भी नहीं दिखा। वो फिर से बोलने लगा, प्रतीक सुनो, तुम्हारा हाथ में जो मिठाई है वो मुझे दे दो। प्रतीक डर से कांपने लगा, तभी अचानक ही पीछे से कंधे पे कोई हाथ रखता है। वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसका शॉपकीपर उसे मिलता है। शॉपकीपर ने बोला, चलिए मैं आपके साथ चलता हूँ। प्रतीक बोलने लगा, पर आप तो घर की तरफ जा रहे थे, तो वापस क्यों आए, कहीं जा रहे हो क्या आप? प्रतीक रास्ते से जाते जाते सोचने लगा, ये आदमी बड़ा ही अजीब है। उसके मन में काफी शक होने लगा, तो वो पीछे मुड़ के देखा तो उसके पैर उल्टे थे। ये देखने के बाद वो डर से मानो थरथर कांपने लग गया। डर के मारे उसने पूछा, कौन हो आप? शॉपकीपर काफी अजीब तरीके से जोरों से हंसने लगा और एक क्रीपी सी स्माइल देके बोलने लगा, तो तुमने मुझे पहचान ही लिया। ये बोलने के बाद ही उसने अपना हुलिया चेंज कर लिया। उसका आंख पूरा व्हाइट था, उसके आंखों से खून निकल रहा था और शरीर से मानो सरा हुआ मांस का स्मेल आ रहा था। आधा बाल उखड़ा हुआ था। प्रतीक उसको देखने के बाद उसके मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकल रहा था, जैसे मानो उसका शरीर पूरा सुन हो चुका है। प्रतीक थरथराते हुए बोलने लगा, क्या चाहते हो आप, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? वो पिशाच बोला, खाने की प्यास में तुम्हारे पास जो मिठाई है वो मुझे काफी पसंद आया है,
अचानक ही वो अपने लंबे हाथ प्रतीक के सामने बरा के उसके हाथ से मिठाई ले लेता है। वो अपना बड़ा सा मुंह खोल के वो सारा मिठाई खा लेता है। प्रतीक कुछ नहीं समझ पा रहा था। उसने अपना शरीर का सारा बल प्रयोग करके भागने लगा। डर के मारे भागता ही रहा। वो अजीब सा शरीर वाला पिशाच भी उसके पीछे ही भाग रहा था। प्रतीक भागते भागते अपने घर पहुंच जाता है और अपनी पत्नी को जोरों जोरों से चीख के बुलाने लग जाता है। प्रतीक अपना आपा खो बैठता है और वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। इसीलिए हमारे मम्मी पापा बोलते हैं, कभी भी खाना कोई सुनसान जगह से नहीं ले जाना चाहिए। हाय, मैं हूँ श्रीजा। आपको ये कहानी कैसी लगी ये मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही और भी कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड पास में लगी बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।